बचपन में शायद आप लोगों ने जरूर सुना होगा, यदि हम पेंसिल के छिलके को दूध में डालकर गर्म करते हैं तो उससे रबर बनती है। ये महज एक भ्रम या गलत फहमी थी जो बचपन में हमारे दिमाग में बैठ गई थी। भला लकड़ी और दूध के मिक्सचर से रबर कैसे बन सकता है? प्रैक्टिकली ऐसा करना पॉसिबल तो नहीं है। तो चलिए जानते हैं पेंसिल को मिटाने के लिए जिस रबर का इस्तेमाल होता है वो कैसे बनता है। दोस्तों, नेचुरल रबर लेटेक्स से बनाया जाता है जो कि एक प्रकार का पेड़ों से निकलने वाला दूध होता है। रबर को बनाने के लिए मुख्य रूप से हेविया ब्रासिलियंसिस नामक पेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रबर ट्री भी कहते हैं। इसकी खेती केवल रबर उत्पाद के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। रबड़ के पेड़ से लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ की छाल में खास तरीके से कट लगाया जाता है जिससे लेटेक्स लगातार बर्तन में गिरता रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे बर्तन में इस दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन सभी बर्तनों का दूध एक बड़े बाल्टी में जमा कर लिया जाता है। आपने ये तो देखा होगा कि दूध से पनीर को अलग करने के लिए उसमें नींबू को डालकर उसे उबाला जाता है। उसी तरह लेटेक्स में से रबर को अलग करने के लिए लेटेक्स से भरे बर्तन में फॉर्मिक एसिड को डालते हैं और उसे 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 12 घंटे के बाद कोएगुलेशन प्रक्रिया की वजह से रबर और पानी अलग हो जाते हैं और रबर की एक मोटी परत ऊपर तैरने लगती है और कुछ इस तरह से तैयार होती है नेचुरल रबर। दोस्तों, अभी नेचुरल रबर तो तैयार हो चुका है लेकिन अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है और अभी ये पेंसिल के मिस्टेक को नहीं मिटा सकेगी, इसलिए अब इन रबर सीट को हार्ड इरेजर में बदला जाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो इन सिंथेटिक रबर को इन दो बेलनों के बीच से बार बार गुजारा जाता है ताकि ये रबर अच्छी तरह से पिस सके। अब इस रबर में पुराने इरेजर के टुकड़ों को भी डाला जाता है जिससे पूरे रबर का कलर पुराने रबर जैसा गुलाबी हो जाता है। अब इन रबर को हार्ड बनाने के लिए इसमें दो तरह के सल्फर पाउडर को डाला जाएगा और आपको तो ये पता ही है कि बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ों से कितना लगाव होता है, इसलिए इरेजर में कलर को भी ऐड करा जाता है और इस रबर को बार बार लगातार इन बेलनों के बीच से गुजारा जाता है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से इक्वली मिक्स हो जाए और रबर भी ठोस हो जाए। अब ये रबर एकदम ठोस हो चुकी है। अब इन रबर सीट को चौकोर भाग में कट करते हैं। और यहाँ पर इस रबर सीट को और भी ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए इसे मेटल फ्रेम के अंदर डालकर हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। ज़्यादा दबने की वजह से फ्रेम के अंदर रबर निकलने लगता है जिसे कुछ इस तरह वर्कर्स निकाल लेते हैं और इन रबर सीट को निकाल कर पानी में रख देते हैं। उसके बाद इन सीट को लंबे लंबे स्टेप्स में कट कर लिया जाता है और अब इन रबर को बच्चों के लिए थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्लू कलर की रबर स्ट्रिप्स को भी पिंक रबर के साथ मिलाया जाएगा। दोनों कलर के रबर को यहाँ रखने के बाद उसे हाइड्रोलिक प्रेस में रखा जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद इन रबर को बाहर निकाल लिया जाता है और वो रबर कुछ इस तरह से जुड़ जाती है। उसे निकाल कर पानी में डाल देते हैं। तो अब इन लंबे स्ट्रेप्स को ये ऑटोमेटिक मशीन इरेजर की साइज में कट कर देती है और इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग कर दी जाती है और कुछ इस तरह से बन जाती है इरेजर। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने अपने बचपन में कभी पेंसिल के छिलके और दूध को मिलाकर उससे रबर बनाने की कोशिश की है। कमेंट में बताइएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दे और ऐसे ही हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर दो वीडियो और दिख रही होगी। दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें।